एक अहम खबर आपको बता दूं, यूपी पंचायत चुनाव काउंटिंग से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आ रही है। मतगणना केंद्र पर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही हैं। मिर्जापुर में पुलिस को धक्का देकर भीड़ निकली है। कई जगह काउंटिंग सेंटर पर भारी भीड़ जुट गई है और हमारा देश ये एक तरीके से मैसेज देना चाह रहा है कि उसके लिए जान भी कुछ नहीं, कोरोना भी कुछ नहीं, उसके लिए सियासत सब कुछ। ये देख लीजिए आप, मनीष यादव हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। मनीष, कहा तो ये जा रहा था कि पूरी तैयारियां हैं, इंश्योर किया जाएगा कि ये ना हो, क्यों नहीं किया जा पा रहा है इंश्योर? दिनेश, सरकार की बात कुछ और होती है और जमीनी हकीकत कुछ और होती है। मिर्जापुर की तस्वीर हम देख रहे हैं, लेकिन 824 जगह जहां पर मतगणना चल रही है कमोबेश ऐसा ही हाल है, ऐसा ही आलम है। और ऐसा नहीं है कि अंदाजा नहीं था, लेकिन शायद तैयारी नहीं की गई, जिसके चलते ऐसा माहौल हर काउंटिंग प्लेस के बाहर आपको देखने को मिल रहा है। प्रत्याशी तो जमा है ही, उनके साथ सैकड़ों समर्थक जमा है। बिना जश्न, जीत का जश्न बिना समर्थकों के अधूरा होता है, और यही वजह है कि प्रत्याशी बहुत सारे ट्रैक्टर में, मेटाडोर में और बाकी कन्वेंसिव समर्थकों को लेकर काउंटिंग प्लेस पर जमा है। पुलिस असहाय बनी खड़ी है, लॉकडाउन का माहौल है, सोमवार तक लॉकडाउन है, जो वीकेंड लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उसके दरमियान ये तस्वीरें देखने को मिल रही है, बड़ी हैरानी होती है। मनीष, मैं बता दूं कि हमारे दर्शक सिर्फ एक जगह की स्थिति नहीं देख रहे हैं, एक जगह फिरोजाबाद से आई तस्वीर हम दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ मिर्जापुर वो देख रहे हैं। एक जगह का हाल ये नहीं है, हम कुंभ के बारे में ये कह रहे थे कि वो सुपर स्प्रेडर हो गया, जहां पर भी लोगों का जुटान होगा, भीड़ होगी, लोग करीब करीब खड़े होंगे और बड़ी तादाद में खड़े होंगे, वहां तो मिनटों में कोरोना न जाने कितनों को अपनी चपेट में ले लेगा। लोग भी रोज देख रहे हैं कितनी चिताएं जल रही हैं, रोज लोग देख रहे हैं कितना सिस्टम पर दबाव है, अस्पतालों पर दबाव है, रिसोर्सेज पर दबाव है। क्या ये लोग ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि गाँव गाँव तक और फैल गया तो स्थितियाँ और मुश्किल हो जाएंगी? सारी चीजें पहले से पता थी, लेकिन बावजूद इसके कोई कदम नहीं उठाए गए। तैयारी और बेहतर हो सकती थी, प्रत्याशियों को हिदायत दी जा सकती थी, केवल आप आएंगे काउंटिंग प्लेस पर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट के वहां पहुंचे हैं और अंदर मौजूद हैं। पुलिस नहीं तो इसमें इलेक्शन कमीशन ने भी ये कहा था ना, इलेक्शन कमीशन ने भी ये कहा था कि हम इस पर सख्ती बरतेंगे, सख्ती क्या होगी? देखिए, न तो राज्य निर्वाचन आयोग इस व्यवस्था को बनाने में कामयाब हो पाया है, न ही सरकार जो कि बाहरी व्यवस्थाओं को बनाती है और हिदायत देती है, लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराती है, उसकी कोई भी चीज जमीन पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। फिरोजाबाद, मिर्जापुर तस्वीरें देख रहे हैं, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अलीगढ़, एटा, मथुरा, हर जगह से ऐसी ही तस्वीरें आ रही है। बहुत चिंताजनक है मनीष, इस समय हर दिन के हिसाब से 4-4 लाख केस सामने आ रहे हैं और लोग समझने के लिए तैयार नहीं है, सब कुछ डाल देते हैं वो वक्त आने पर गवर्नमेंट पर, और वो देखिए आप कैसे 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 लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं, उनको किस बात की कोई परवाह नहीं है कि इसके नतीजे क्या निकलेंगे। और ऐसा नहीं है कि अब कोई बात छिपी हुई है, ये माना जा सकता था कि कुछ दिनों पहले तक लोग गफलत में हो सकते थे, उनको ये मालूम नहीं था कि कोरोना एक्चुअली कैसे जान ले रहा है, वो देख रहे हैं सामने कि कितनी जानें रोज जा रही हैं, वो सामने देख रहे हैं, रोज समाचारों में सुन रहे हैं, उसके बावजूद ये स्थिति है। मैं समझना चाहता हूँ ऐसा क्यों है रामकृपाल जी? जब योगी सरकार गई थी कोर्ट में कि नहीं ये चुनाव इस समय नहीं होने चाहिए, तो ये जान करके, क्योंकि देखिए एक ग्राम पंचायत का चुनाव जो होता है इसमें समझिए कि पूरा गांव का एक एक बंदा इन्वॉल्व होता है, और ये उसके लिए जिसको आप कहते हैं कि ग्राउंड लेवल पे जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं, उनको सरकार को पता था कि ये संभाले नहीं संभलेगा, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, हर हालत में आपको 30 अप्रैल से पहले चुनाव करा लेना है। तो आज जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो भी गांव में रहते हैं, मैं भी गांव में रहता हूं, मैं बताऊं आपको रहा हूं, ये सच्चाई है कि आप इस लेवल पर अगर आप जाकर के एक एक गांव में प्रधान का चुनाव कराएंगे तो आप तय जान लीजिए कि वहां कोई भी व्यवस्था पुलिस के डंडे के गुस्से, पुलिस इतनी नहीं है उत्तर प्रदेश में, संख्या ही नहीं है कि इस तरह की चीजों को संभाल सके। तो ये देखिए आज जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है, इसकी आशंका सरकार को थी, लेकिन चूंकि कोर्ट ने कहा कि हर हालत में आपको कराना है, किसी भी तरह से ग्राम पंचायत के चुनाव में आप वो स्थिति नहीं कर सकते हैं जो लोकसभा या बाकी और चुनावों में आप चुनाव आयोग कर सकता है, ये पहले से था। अब इस आशंका, ये सच्चाई, ये आशंका कहिए जो भी है, वो सब सामने आ रही है। अब नतीजा जो भी होगा, लेकिन ये
अगर नतीजा चुनाव नतीजा तो प्रेडिक्ट अब किया जा सकता है। चुनावी नतीजे बेशक प्रेडिक्ट ना किए जा सके, लेकिन ये भीड़ देखकर कोरोना में आगे क्या होने वाला है ये तो प्रेडिक्ट किया जा सकता है। वो जो 5 लाख हाफ मिलियन के बारे में हम सोच रहे हैं हर दिन देश में, वो अब दूर नहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरीके की जिम्मेदारी हम दिखा रहे हैं, जिस तरीके का ये यहाँ आप देखें, हम सबको पता है आज कि हमको क्या किया जाना चाहिए, लेकिन हम सियासत के आगे कुछ सोचने के लिए तैयार नहीं है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।